इस यूकुलेले का मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था और फाइनली ये मेरे हाथ में है। एक्चुअली इसमें एक ख़ास बात है जो कि मेरे बहुत काम की है, तो इसलिए मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हैं और कुछ बेसिक फीचर्स भी आपके साथ शेयर करूंगा और इसका बेसिक सा साउंड टेस्ट करके भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा यूकुलेले का बॉक्स और बॉक्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि कोई मोबाइल फ़ोन का बॉक्स होता है उस टाइप की फील आ रही है। तो चलिए इसको ओपन करके साइड में रख देते हैं, फिर एक एक करके देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो इसके साथ मिलती है एक ये केबल यूकुलेले को चार्ज करने के लिए। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये यूकुलेले चार्ज भी होता है, तो हाँ ये चार्ज होता है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और साथ में एक ये पाउच आता है, इस पाउच के अंदर देखते हैं ये एक स्ट्रैप बेल्ट है जो कि यूकुलेले को टांगने के काम आएगी। उसके बाद फिर एक ये प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा केपो, और साथ में हमें ये मिलती एक्स्ट्रा यूकुलेले की स्ट्रिंग, अगर हमारी स्ट्रिंग टूट जाती है तो हम इसको बदल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये। और एक ये मैनुअल जो कि हम कभी नहीं पढ़ते हैं। और ये रहा हमारा यूकुलेले, इसको हम लोग ज़रा बाहर निकाल लेते हैं, फिर ओपन करते हैं, देखते हैं कि कैसा है यूकुलेले। और ये जो ऑरेंज कलर का इसका बैग है यानी कि इसका केस है, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, आपको देखने में भी लग रहा होगा, यहाँ तो मैं छू रहा हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसका केस है। तो ये रहा हमारा यूकुलेले, इसको हम लोग साइड में रख देते हैं और आप बैग को थोड़ा सा पीछे से भी देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया है। तो ये यूकुलेले कार्बन फाइबर का बना हुआ है और इसकी फुल डिटेल और प्राइस वगैरह आप इसकी वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और वहां पर आपको एक डिस्काउंट कोड भी मिल जाएगा जिससे आप इस पे डिस्काउंट भी पा सकते हो। तो इस यूकुलेले में एक ट्रांस अकूस्टिक पिकअप लगा हुआ है जो कि मेरे बहुत काम का है रिकॉर्डिंग करने के लिए, इसीलिए मैंने बोला था कि ये यूकुलेले मेरे लिए खास है। ये देखिए यहाँ पर इसका कंट्रोलर, इसको मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ और इसमें आपको मिल जाते हैं कुछ इनबिल्ट इफेक्ट्स जैसे रिवर्ब कोरस डिले एंड ऑल, अभी मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। तो इसके बॉटम में हमें एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है जिससे हम इसके ट्रांस अकूस्टिक पिकअप सिस्टम को चार्ज कर सकते हैं, और उसके बगल में हमें एक पोर्ट देखने को मिल जाता है जिससे हम अपने यूकुलेले को कनेक्ट करके डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस यूकुलेले का बेसिक सा साउंड टेस्ट करके देखते हैं और मैं आपको दो तरीके से दिखाऊंगा, पहला जो नेचुरल साउंड है बिना कनेक्ट करे हुए, और इसका जो ट्रांस अकूस्टिक सिस्टम है इसको भी ऑन करके दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। और इन सब के लिए मैं यही माइक यूज़ करूंगा, यहीं कहीं सामने इस माइक को लगा दूंगा और इसी से आपको आवाज़ सुनाई देगी, कोई एडिशनल माइक यूज़ नहीं करूंगा। और दूसरा जो है इसको मैं कनेक्ट करके इसका जो पिकअप है उसका साउंड सुनाऊंगा जो कि बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये था इसका बिल्कुल नेचुरल साउंड। अब इसको प्लेक्ट्रम से बजाता हूं मैं, कैसा साउंड करेगा, थोड़ा ब्राइट रहता है जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ये तो हो गया इसका नेचुरल साउंड। अब इसमें जो ट्रांस अकूस्टिक सिस्टम लगा है उसको हम लोग ऑन करते हैं। तो इस बटन को मैं थोड़ी देर दबाए रहूंगा ऐसे, ये देखिए यहाँ पर लाइट जल गई है और अब इसका सिस्टम ऑन हो गया। ये देखिए यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं है, देख लीजिए आप, नहीं तो आप कहोगे कि कनेक्ट कर रखा है मैंने, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम मैं यहाँ से फुल कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए ये रिवर्ब है, कोरस है और डिले है। तो अब मैं यहाँ पर जो भी बजाऊँगा और यहाँ पर जो इफ़ेक्ट लगा दूँगा वो डायरेक्ट यहीं से निकलेगी लाइव। मतलब आप कहीं पार्क में बैठे हो ना, आपको रिवर्ब लगाना है, आपको डीले लगाना है, आपको कोरस लगाना है, तो आप यहीं से लगाओगे और आपका यूकुलेले डायरेक्ट यहीं से रिवर्ब के साथ साउंड करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए। तो ये मैंने कर दिया, अब मैं रिवर्ब थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, बल्कि फुल कर देता हूँ ताकि आपको सुनाई दे, ठीक है। देखिए सुनाई दिया, कनेक्ट नहीं है, मैं दिखा देता हूं। डायरेक्ट यहां से साउंड आ रहा है। अब चलिए इसमें जो है
हम लोग कुछ और प्ले करके देखते हैं। तो देखा आपने, मैं यहाँ पर जो भी प्ले कर रहा हूँ वो डायरेक्ट यहीं से इसका इफेक्ट निकल रहा है। मैं जो यहाँ पर सेट कर दूंगा वही निकलेगा। तो अब मैंने अपने यूकुलेले को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया है और ये माइक जो लगा हुआ है इससे मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी और जो भी मैं यूकुलेले पे प्ले करूँगा वो डायरेक्ट कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाएगा। कोई भी बाहर की नॉइज वॉइस नहीं आती है। यही फायदा होता है पिकअप से रिकॉर्ड करने का। और अभी साउंड में जो आप इफेक्ट सुनोगे वो कुछ भी मैं सॉफ्टवेयर से नहीं करूंगा, जो भी इसमें इनबिल्ट इफेक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं का यूज करूंगा। आप प्लीज हेडफोन लगा लो तो ज्यादा अच्छे से सुनाई देगा। तो चलो कुछ प्ले करके देखते हैं। ये बिल्कुल रॉ साउंड है, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं लगा हुआ। अब प्लेक्ट्रम से कर लेते हैं ऐसे ही थोड़ा बेसिक सा। अब मैं इसमें थोड़ा सा रिवर्ब लगाता हूं, थोड़ा क्या फुल कर देता हूं ताकि आपको सुनाई दे अच्छे से। ये मैंने कर दिया। अब कुछ प्ले करते हैं इस पे। तो इस यूकुलेले का अनबॉक्सिंग रिव्यू, इसके फीचर, इसका ट्रांस अकूस्टिक पिकअप का फीचर, इसके इफ़ेक्ट्स पिकअप और मैंने बेसिक सा साउंड टेस्ट भी करा है, यानी कि मोटी मोटी बातें आपको छोटी वीडियो में बता दी है। ऐसे ही अगर आप यूकुलेले की बेसिक्स सीखना चाहते हो तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी मिनी सीरीज़ बनाई है। आप इसको देखकर यूकुलेले के बेसिक्स बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।